नमस्कार विजय सिंह जी। नमस्ते नमस्ते। जैसा कि विजय सिंह जी मैं आज आपसे वॉइस ऑफ जैसलमेर में स्वागत भी करता हूं, और जैसलमेर में जो आपने ये फिल्म जगत का ये क्षेत्र चुना है, आपने ये कलाकारी फिल्म जगत में की है, तो यह जो आपका शौक फिल्म जगत में जाने का, ये आपका मूल कारण क्या रहा या इसके पीछे किसका आप हाथ मानते हैं? मैंने एक पिक्चर में काम किया था, सात रंग के सपने में। उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं थी। मेरे एक दोस्त है हरी सिंह करके, जोधपुर का है, वो इसका कांटेक्ट लेता है। उससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी वहाँ सम में। जब मैं उसे मिला तो मेरी जान पहचान हुई। उन्होंने कहा तू आगे फिल्म में काम कर, आगे तेरे को इसमें दिलचस्पी मिलेगी, तू एक बार काम करके देख। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखूँगा। फिर मैंने एक काम किया था GTV में, यही तो प्यार है TV सीरियल था, उसमें मैंने काम किया। लोगों ने उसको देखा, फिर लोगों ने देख के मेरे को बताया कि भाई तेरा काम अच्छा है, तू राजपूत बनाता, उसमें लोहार भी बना है, ठाकर भी बनाता, तो तेरा बहुत काम उसमें अच्छा लगा। देखा इसमें आगे तू बढ़, तेरा और कोई दिलचस्पी ले। मेरे को शूटिंग वालों ने एक फ़ोटो भी दिया था मेरा GTV का, उसका सीरियल का, तो मैंने वो फ़ोटो मेरे पास रखी। लोगों ने मेरी फ़ोटो मांगी, मैंने उसकी फ़ोटो कॉपी करा के लोगों को दी, वो लोग आगे ले गए। फिर उसमें मेरे को दिलचस्पी लगी। जब मैंने खुद ने उस सीरियल को देखा तो आगे मैंने फिर देखा, तो उसमें मैंने बम्बई से मेरे दोस्त है सात रंग के, उसमें मीरा में किया था, सोनी पे आया था, और GTV का एक दो सहेली का सीरियल था। विजय सिंह जी, जैसे अभी आपने बताया कई आपने एपिसोड में काम किया, पिक्चरों में काम किया, लेकिन आपका पहले मुझे ये बताइए आपका मूल कार्य क्या है? मूल कार्य था मेरा कोई नहीं था, लेकिन मैं क्या है, मेरी दिलचस्पी थी। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जैसे आप जैसे फिल्म जगत में ये जो एपिसोड बनाने में आए, या फिल्मों में जैसे आपके मित्र हरी सिंह ने आपको इसके लिए आपको प्रेरित किया, तो आपका घर का काम क्या है? आप पहले क्या काम करते थे? पहले मैं अपने घर का काम करता था, लोहार का। अच्छा, तो आप लोहार का काम करते थे, तो लोहार के काम में आप यहाँ क्या विशेष काम करते हैं, क्या काम करते हैं, और यहाँ के लोग आपसे लोहार में क्या काम करवाते हैं? मेरे जो दादाजी और पिताजी थे ना, वो दरबार के टाइम में लोहार का काम करते थे, तलवारें बनाते थे, उनके लिए भाले बनाते थे। और अभी क्या है, मेरे पिताजी ने मेरे को इस काम में डाल दिया था, लोहार के काम में, तो अभी मैं लोहार का काम करता हूँ। मैं खुद तलवार बनाता हूँ, कैंची धार लगाता हूँ। लेकिन उसके आगे क्या है, मेरे को एक शौक़ लग गया था इसका शूटिंग का, फिल्म में जाने काम करने का। तो नहीं, ये तो जैसे अभी आपने बताया बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कला थी और आपने अपनी कला को बिल्कुल सामने रखा है सभी के। हमने भी आपको देखा है कई पिक्चरों में, आपने काम किया है, एपिसोड में काम किया, लेकिन मुझे ये बताओ आपने कितनी पढ़ाई कितनी की, और उसके साथ में आप पढ़ाई के साथ में और भी आपने क्या क्या, मतलब विषय क्या चुने, या पढ़ाई के बाद में आपने क्या विशेष कार्य किया? मैं तो पढ़ाई की नहीं, मैंने अनपढ़ ही रहा हूँ। अरे आप बिल्कुल ही अनपढ़ हो। चलो, बहुत ही एक मतलब जो आपके पास शिक्षा नहीं होने के बाद में आपने जो ये क्षेत्र चुना है, तो इसमें जैसे अभी आप पिक्चरों में जैसे काम करते हो, तो उसमें जैसे डायलॉग बोलना पड़ता है, या कई बड़े बड़े आपको जो डायरेक्टर वगैरह सीन समझाते हैं, तो फिर उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं, वो मेरे को डायलॉग लिख के भी देते हैं, एक बंदा होता है वो समझाता है कि आपको ये डायलॉग बोलना है, यहाँ पर ये गुस्सा करना है, या यहाँ पर थप्पड़ मारनी है, तो क्या मेरे को डायलॉग पहले बता देते हैं कि ये डायलॉग है, ये ऐसे करना है, तो मैं वो देख के उनको करा देता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात और बताओ, आप जैसे आपने ये फिल्मों में काम करना चालू किया, तो आपके साथ में जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके साथ वो नए, जैसे आप नए कलाकार हो जिसमें में, तो आपके साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं? नहीं, व्यवहार हमारे साथ अच्छा ही करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ समझदार आदमी होते हैं ना, वो हमें अपने तरीके से समझाते हैं, ऐसे नहीं गुस्से से समझाए, वो अपने नेचर से समझाते हैं कि आपको ये डायलॉग करना है, इसको अच्छा करोगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बताओ मुझे विजय सिंह जी, जैसे अभी आपने फिल्मों में काम किया, उसके अलावा भी कहीं कहीं आप जैसलमेर में जैसे कई प्रोग्राम होते रहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर है, या कहीं कोई दूसरा क्रिसमस का फेस्टिवल है, तो उसमें भी क्या अपनी कला की कोई जोहर दिखाते हो क्या? मैं 31 दिसंबर को रात को मेरे जवाहर निवास में फिक्स है, आग फायर का काम करता हूँ मैं। अच्छा, आग फायर का काम करते हो, तो ये आग फायर का काम तो मुझे लगता है बड़ा
कठिन काम है, तो इसको आप किस तरीके से करते हो और ये क्या मतलब ये जो आग फायर, एक तो जैसे मुंह से लोग आग के साथ में वो क्या फेंकते हैं तो उससे एक आग निकलती है, तो आप किस तरीके से करते हो ये मुझे बताइए आप अपने अनुभव। मैं इसमें मिट्टी का तेल लेता हूँ और मुँह में डालता हूँ, और मुँह में डालने के बाद आगे आग लेता हूँ, फिर उसको मुँह के साथ ही फेंकता हूँ तो आग के गुब्बारे बन जाते हैं। लेकिन इसमें तो ये बड़ा खतरनाक काम है, इसमें जलने का काम मुंह का ध्यान रखना पड़ता है, शरीर का है, सामने पर जो पब्लिक होती है उनका ध्यान। मैंने अभी नवरात्रि में किया था, गर्भों में करता हूँ मैं, उसमें कोई चार्ज नहीं लेता, फ्री उपचार है मेरा। अच्छा, धार्मिक कार्यक्रम में जब आप ये प्रोग्राम करते हो तो कोई चार्ज नहीं लेते? नहीं लेता। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यह तो खतरे का काम है, तो आप तो मुझे लगता है कि नए लड़कों को तो ऐसा करने के लिए मना करते होंगे। नहीं, मेरे पास खूब आते हैं कि हमें भी सीखना है, लेकिन मैं उनको बता देता हूँ कि रिक्स आपकी है, कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा विजय सिंह जी, ये तो आप बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा काम ही बड़ा खतरे का है। लेकिन जैसे आपने ये इस जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर है, इससे जो आपने ये कार्य एक कलाकारी का कार्य जो आपने श्री गणेश किया या आपने शुरुआत की है, तो जैसलमेर वालों के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ कि इस फिल्म जगत की लाइन में जैसे आपकी मुलाकात तो होती रहती है, तो बड़े बड़े कलाकारों के साथ मुलाकात हुई थी, आपकी कौन कौन से कलाकारों के साथ मुलाकात हुई और उसके अनुभव हमें बताइए। मेरे साथ अमिताभ के साथ हो गई, उनका लड़का अभिषेक बच्चन उनके साथ हो गई, चिक्की पांडे थी उनसे भी 2 मिनट बात हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके अभिषेक से बात, अभिषेक जी बच्चन से बात हुई, अमिताभ जी से बात हुई, फोटो देखो। तो अमिताभ जी के साथ कुछ आपके पास फोटोग्राफ्स हो या उन्होंने क्या बोला? तो नहीं, हमारे को मेरा फर्स्ट काम था ये सीरियल का, GTV का 2 सहेली का है, इसमें मैंने लोहार का काम किया था, लेकिन ये 2 ठाकुर बताते हैं, ये एक है जो है भौर सिंह गुजर है, और मेरा काम था लोहार का, ये आके पूछते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये पूछते हैं भाई हमारा ढोली भौर सिंह कहाँ है, जब मैं इनको बताता हूँ जितने में याद आते हैं, ये लड़की के बारे में पूछती है, लड़की पूछती है कौन है यहाँ पे, चिल्ला के पूछता है, जब मैं तो इनको कहता हूँ ठाकुर साहब पता नहीं कौन है, इतना मेरा डायलॉग था। और उसके बाद मैंने किया था इनके साथ, अच्छा अच्छा, अभिषेक जी के साथ। अच्छा, ये जैसे अभिषेक जी बच्चन के साथ बम्बई से आया मेरे दोस्त में। अच्छा, इसमें मेरा गाँव वाला था, मैं गाँव वाला बना था, और इसमें मैंने आग फायर का भी किया था, वो भी फोटो मेरे पास है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें लारा जी भी मेरे साथ है, लारा दत्ता जी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक जैसे ये फोटो आपका है जिसमें फौजी की आपके ड्रेस पहनी हुई है। ये मैंने दीवार में काम किया था, तो मैं फौजी बना था, फिर फौजी हमारे काम ख़त्म होने के बाद में मेरे को अमिताभ बच्चन जी मिले थे, उन्होंने मेरे पूछा आप क्या करते हो, मैंने पूछा मैं अपना द्वार का काम करता हूँ, मेरी दुकान है, तो कि ये जब मैंने इनको ये बोला मेरा मेरे शौक़ है, तो मेरे को काम करने का शौक है, इसलिए काम कर रहा हूँ। चलिए, अच्छा विजय जी, आप बहुत बढ़िया बात है, आप जिस तरीके से आपने एक नया क्षेत्र चुना है जबकि आपके पास शिक्षा भी नहीं है, तो जो जैसलमेर के लोग हैं वो कितने कलाकार हैं जो आपसे मिले हैं और इस क्षेत्र में वो इच्छुक है, जो जिनको आप जानते हो, तो उनका आप मुझे नाम बताइए। मेरे पास तो 1-2 नाम है, लेकिन कलाकार है 10-15 जने मेरे साथ ही हैं, लेकिन उनको क्या है काम बड़े एक्टर बनने का शौक़ है, और मैं तो छोटा सा कलाकार हूँ, तो बम्बई तक जाके आए, 1-2 लाख रुपए खर्च भी किए, मैंने तो 1 रुपया नहीं खर्चा है, सिर्फ मैंने जैसलमेर में ही काम किया है, और लास्ट मैंने जोधपुर तक गया हूँ, मैं इससे आगे गया नहीं। और जो मेरे दोस्त है वो तो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए खर्च भी आए और उनको मिला भी कुछ नहीं। देखो ये तो फिल्म जगत है, जैसा लोग काम करेंगे वो उनका अपना होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो जैसलमेर में लोग जो नए कलाकार क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो वह किस तरीके से प्रयास करें? जैसे अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके आए, उनको मिला कुछ नहीं, लेकिन आपने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो कोई नया कोई इस क्षेत्र में उतरना चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए या कलाकारी करनी चाहिए, तो कैसे करनी चाहिए? उसमें कला का भी संजोग होना चाहिए, दूसरे में आगे जाके उनका उसका इंटरव्यू होता है, वहाँ भी पैसे लगते हैं, और कुछ दिल में लगन भी होनी चाहिए कि मेरे को ये काम करना है या कहीं आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उनसे मिलना भी पड़ता है बम्बई जाके, लेकिन मेरी इतनी पहुंच है नहीं जो मैं बम्बई जाके मिल सकूं। अच्छा विजय सिंह जी, जैसे भी आपने बताया कि अभिषेक बच्चन के साथ आप मिले और अमिताभ जी के साथ मिले और सेठी जी के साथ मिले, लेकिन मुझे एक बताओ कि फिल्म हीरोइन जो है उनके साथ आपका किस किस के साथ फोटोग्राफी हुई या अनुभव हुआ या बातचीत, ये मुझे अपना साझा कीजिए अनुभव। मेरे साथ थी मुंबई में यार दोस्त में लारा दत्ता, ये देखो ये रहा इसका फोटो। अच्छा अच्छा, लारा ये मेरे को भैया जी बोलती थी। अच्छा, मैं इनके साथ 20-25 दिन रहा था इनके साथ में, तो ये मेरे को भैया, वो आग फायर करने वाले में भैया बोलती थी,
और इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। और एक थी अपने वो संदली सिन्हा जो नन्हे उसमें आई थी, नन्हे जैसलमेर में, उनका भी व्यवहार अच्छा था, उनका भी मेरे साथ फोटो है। अच्छा तो विजय सिंह जी मुझे ये बताओ, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि हीरोइन के साथ भी आपके अच्छे अनुभव रहे हैं, तो लगभग आपके कितने मतलब फिल्म स्टारों के साथ आपका परिचय हुआ या मिलना हुआ या हीरोइन के साथ, अंदाजन कितना हो गया होगा? मेरे साथ छोटे बड़े एक्टर जो भी है 20-25 जने मेरे से मिल के गए हैं, मैं सबसे मिला हूँ और उनका व्यवहार भी अच्छा है, बोली चाल भी अच्छी है। अभी मैंने अजय देवगन के साथ काम किया था बादशाहों फिल्म में, उसमें मैं गुजर का बना हुआ हूँ, जो मेरे पास उसका एक फ़ोटो भी है, बड़ी बड़ी मूछें है और साफा वगैरह है। अच्छा तो विजय सिंह जी मोहल साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो आपके पास ये एल्बम है, इसमें आपने जैसे अभी कई कलाकारों के नाम बताए या बड़ी हस्तियों के, तो हमें आज आप थोड़ा अपने ये फोटोग्राफ्स है उसमें जो आपके साथ है उनका हमें थोड़ा परिचय कराइए, हमें फ़ोटो बताइए। आइए सर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अमिताभ बच्चन जी है, ये अभिषेक बच्चन है, ये लारा जी है, और मैंने CID में भी काम किया था, चोर का बना था, चाबी चोर, लेकिन CID वाले मेरे को ढूंढ के पकड़ लेते हैं। मेरे पास काफ़ी फोटो है, ये दो सहेली का है, GTV मैंने किया था, उसमें मैं ठाकुर बना था। ये भूतनाथ सीरियल का है, Star TV पे आया था, तो इसमें भी मैंने काम किया है। ये संजय दत्त है, कौन सी फिल्म का है? दीवार का है, ये भी उसमें थे संजय दत्त भी। अच्छा ये बताइए, ये कब का है? ये मेरे बम्बई से आया मेरे दोस्त का, ये पंडित है। अच्छा अच्छा, लेकिन पंडित में क्या होता है, साजिश बात। अच्छा नीचे वाला वाले का, ये हमारे जैसलमेर के दरबार है। मैंने इनकी होटल में जवाहर निवास में आग फायर का काम किया था, लेकिन दरबार साहब को अच्छा लगा, दरबार साहब ने पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा सर हम आपके लोहारी हैं और यहाँ जैसलमेर का ही हूँ। इन्होंने मेरा नाम और परिचय लिया था और दरबार साहब ने मेरे को टिप भी दी थी 1000 रुपये, और मैंने 1000 रुपये का टिप भी दिया था उन्होंने, और मेरे से मुलाकात भी हुई थी, नाम वगैरह पूछा और कहाँ से आए हो ऐसे। ये नेक्स्ट बताओ, आपका दुकान जी, जी ये मुझे बताओ, जैसे अभी आपने बात की आपको हमारे यहाँ के महाराजा साहब मिले, तो महाराजा साहब के साथ आपको उनका अनुभव कैसा लगा? उनको मेरा अनुभव बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मेरे से बात की थी, दूसरों से बात भी वो कम करते थे, लेकिन उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई आप इधर आओ, आप कहाँ से हो, क्या काम करते हो, उन्होंने मेरे को सब पूछा। मैंने उनको बताया कि अभी मैं आपका लोहार हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरे फादर भी है, मेरे दादाजी भी आपके यहाँ काम कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा पूरा परिचय लिया था और उनको मेरा ये आग फायर वाला बहुत अच्छा लगा था। तो हमने आज बात की है विजय सिंह जी मोयल, यानी कि एक जैसलमेर के उभरते नए कलाकार हैं। सबसे बड़ी बात है इनके अंदर के एक इनके पास शिक्षा की कमी है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो पिक्चरों में काम किया है, जिन जिन कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें एक अमिताभ बच्चन जो जैसा कि अपन की यहाँ के लोग कहते हैं वो एक फिल्म जगत की एक महानायक है, बड़ी हस्ती है, उनके साथ भी इनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। तो हमने अभी बात की थी विजय सिंह जी से, विजय सिंह जी मोयल, तो हमारी वॉइस ऑफ जैसलमेर की तरफ से विजय सिंह जी मोयल को हार्दिक शुभकामनाएं और भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा काम करें, अच्छी पिक्चरों में करें और जैसलमेर का नाम रोशन करें। तो नमस्कार विजय सिंह जी। नमस्कार जी, मैं वॉइस ऑफ जैसलमेर से सुरेश कुमार हर्ष, कैमरामैन श्यामवीर सिंह के साथ।